लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब सरगुजा में सरकारी अस्पताल समेत प्राइवेट अस्पतालों में भी काफ़ी अधिक संख्या में लोग हैं जो कोविड से ग्रसित हैं, और काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी के शिकार हैं, उनको कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ गंभीर लक्षण भी हैं। ऐसे लोगों के इलाज में अब डॉक्टरों की जो जवाबदारी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, लगातार उनको कोविड वार्ड के अंदर जा कर के मरीजों को देखना होता है, उनकी हालत देखनी होती है। किस तरह से डॉक्टर्स पूरा दिन बिताते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से अपने आप को संयमित रखते हैं ताकि खुद कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं, अपने परिवार को कोरोना से ग्रसित ना कर दें, हमारे साथ इस जानकारी को देने के लिए डॉक्टर अर्पण सिंह हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी भारत पर। ये बताइए आपकी दिनचर्या कैसी होती है, सुबह से आप किस तरह से अपने आप को बचाते हुए और फिर मरीजों को देखते हैं? सुबह का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि किसी दिन 4 बजे उठना है, किसी दिन 5 बजे उठना है। पहले जब कोरोना नहीं था तो ड्यूटी 9 बजे 8:30 बजे से हमारी OPD चालू होती थी, तब के लिए हम लोग 7 बजे उठकर उसके बाद तैयार होकर नाश्ता करके जाते थे। बट अब तो पता चल रहा है कि कभी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कभी किसी हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट का डेथ हो रहा है, या कभी किसी को रात को 3 बजे रेमडेसिविर के लिए फ़ोन आता है। तो दिनचर्या तो अभी कुछ है ही नहीं, जो भागदौड़ पहले से चल रही है। आज शायद 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, लॉकडाउन को भी 50 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 13 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। कई बार तो मरीजों को लेके साथ में रायपुर तक जाना पड़ा है। जो परिचित मरीज होते हैं वो समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि अगर ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचित हैं, तो इनके साथ होने से, साथ जाने से कुछ ना कुछ भला हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में 2 से 3 बार रायपुर, कभी कहीं और, कभी कभी हैं, और जो परिचित लोग रहते हैं वो इतना तक इंसिस्ट करते हैं, सर घर आ जाइए, घर में देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन अब हर किसी को हर एक बात समझाना संभव नहीं है। आज के डेट में जब नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरियाँ, जब दुर्ग और रायपुर में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि 900 रुपये का, 899 रुपये का आता है, उसे 16,000-20,000 में कालाबाजारी की जा रही थी, तो उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाते हुए मुझे और डॉक्टर रोशन वर्मा सर को काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी गई। उसके रोकथाम के लिए आज के डेट में हमारे साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं अनिल पैकरा जी, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। आज के डेट में अगर टॉसिलिजुमैब भी हमारे संभाग में आ रहा है तो हमें जानकारी है एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन किसके पास है। पूरे अगर 4,000 रेमडेसिविर लगा है तो मैं आपको डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, उतने 600 आधार कार्ड दे सकता हूँ, सारी जानकारी दे सकता हूँ। तो उतनी सारी जानकारियाँ अगर रख रहे हैं तो मानसिक लोड तो बहुत ज़्यादा है, शारीरिक भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि मैं खुद अभी 15 दिन कोरोना से ग्रसित होने के कारण होम आइसोलेशन था, बट उसके पहले, उसके बाद वापस से ड्यूटी करना, अगर हम एक हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक बार डॉनिंग करना है, फिर डफिंग करना है, फिर नहाना है, ऐसा अगर दिन में 3 बार हो रहा है तो 3 बार नहाना है। घर वालों से हम मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, डाइनिंग टेबल में एक साथ खाना खाए ज़माना बीत गया। मैं ऊपर रहता हूँ, घर वाले नीचे रहते हैं, रास्ता अलग अलग है, उनका एंट्री एग्ज़िट अलग है, मेरे लिए एंट्री एग्ज़िट बनाने का अलग से सुविधा किया गया है। जिनके पास नहीं है वो बेचारे हॉस्पिटल में रुक कर ड्यूटी कर रहे हैं। पहले तो गाइडलाइन यही थी कि 10 के 10 दिन हॉस्पिटल में जब आपका शिफ्ट लगता है तो वहीं रहना है, लेकिन अब एटलीस्ट जिनके पास सेपरेट बाथरूम, सेपरेट गाड़ी और रुकने की व्यवस्था है, वो सारे लोग अलग हैं। ऐसे में डॉक्टर रोशन वर्मा सर भी काफ़ी एक्टिव हैं, साथ देते हैं। हम दोनों के ऊपर इतना लोड है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितने भी बेड हों, सारे बेड का स्टेटस हमें पता रहना चाहिए। अगर वेंटिलेटर है तो कितने हैं, कितने खाली हैं, अगर बाईपैप हैं तो कितने हैं, कितने खाली हैं, अगर ऑक्सीजन बेड हैं तो कितने खाली हैं, वो जानने के लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। भरोसा हमें सब पर है, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई हमें दिन में एक बार करना ही पड़ता है कि रेमडेसिविर कितने जा रहे हैं, कितने पेशेंट हैं। कल को हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास 50 पेशेंट हैं, आप हमें 50 रेमडेसिविर दीजिए, वहाँ जाने के बाद पता चलता है 30 पेशेंट हैं। तो ये 20 रेमडेसिविर की चोरी को रोकने के लिए हम लोग दोनों लोग काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। दिन में 3 बार कम से कम PPE किट पहनना पड़ता है, PPE किट उतारना पड़ता है, उसके बाद शावर भी लेना पड़ता है, घर वालों से दूर भी रहना पड़ रहा है, बट उसका कोई गम या मलाल नहीं है। जो कर रहे हैं हम जनता के लिए कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन की इज्जत के लिए कर रहे हैं। आज डॉक्टर से सब कोई उम्मीद रखते हैं, कोई किराना दुकान वाले के पास जाकर उम्मीद नहीं रखता कि हाँ भाई तुम सामान फ्री में दे दो, लेकिन डॉक्टर के पास आते हैं तो सोचते हैं कि इलाज फ्री में कर दो, हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन एटलीस्ट बस यही है, आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था,
डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट गलत है, मेरा बिल इतना है, वो दे नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पेशेंट बोलता है डॉक्टर गलत है, लूटपाट कर रहा है, ये कर रहा है, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या वाकई में हर कोई सिर्फ लूटने पे लगा है या इलाज हो भी रहा है? अगर इलाज नहीं हो रहा है तो डेली 6,000-7,000 होम आइसोलेशन से ठीक होके कैसे जा रहे हैं? और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के एडमिशन पेशेंट्स की बात करें तो अंबिकापुर में अभी तक सिर्फ 400 या 500 डेथ क्यों हुई हैं जबकि 1,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं? तो अगर ये सिर्फ चोरी है, लूटपाट है, तो सारे 1,00,000 मरने चाहिए थे। भरोसा थोड़ा लैग कर रहा है, इसलिए मैं ये बहुत ज़रूरी शब्द था। उस भरोसे को मेंटेन रखने के लिए कलेक्टर साहब खुद एक्टिव हैं, महाराज साहब खुद एक्टिव हैं, आदि बाबा जो कि 99% यहाँ के सरगुजा संभाग के लोगों के लिए लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक। रेमडेसिविर पे तो कोई RTI भी अगर लगा ले तो वो नहीं बता पाएगा कि अंबिकापुर में चोरी हुआ है कि नहीं, क्योंकि होने नहीं दिए। टोक्लिजुमैब कभी चोरी होने नहीं दिए, बेड कभी भी किसी ज़रूरतमंद को ना मिला हो ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए हवा है, कुछ भ्रम है, कुछ मिथ है कि इन लोग बिल इतना लगाते हैं, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी आधार कार्ड और आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करके आपका पैसा माफ़ करा रहे हैं। जो BPL कार्ड वाले हैं उनको रेमडेसिविर फ्री में दिया जा रहा है। इतना तो मुझे नहीं लगता पूरे राज्य में किसी ज़िले में सेवा दी जा रही होगी, और पूरे देश में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी सेवा दी जा रही होगी। सब निश्चित तौर पे कि डॉक्टर जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और निश्चित तौर पे दिख रहा है कि कोविड काल में किस तरह से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी जो आरोप और इस तरह की बातें हैं वो अक्सर आती रहती हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें इस तरह की बातें आती हैं। दिनचर्या आपने बताई, रात किस तरह बीतती है, कब तक फ़ोन बजता रहता है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं? दिनचर्या डेली घर जाने में लगभग 9:30-10 बज जाता है। 10 बजे जाओ तो खाना ऊपर डिस्पोजिबल थाली या उसमें अलग से मिलता है, थाली में खाए हुए तो आज 50 दिन हो गए, पत्तल या डिस्पोजिबल प्लेट्स के थ्रू ही खाना खा रहे हैं। और उसके बाद फिर वापस से भिड़ जाते हैं कि किस हॉस्पिटल का क्या रिस्पॉन्स आया है। रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक कई बार तो जाके एडमिशन कराना पड़ा है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से तो कन्फर्म है कि आपको फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि सर अगर आज बेड खाली हो गया हो तो। उनको समझाना पड़ता है कि 5 बजे सुबह तो कोई डिस्चार्ज नहीं करता है। फिर सब पेशेंट्स रखते हैं 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास सबके लिए फिर बेड करा के हम उन्हें बेड देते हैं। तो एक दिन में 150 से 200 फ़ोन एवरेज आज के डेट में अभी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अर्पण सिंह, जो लगातार यहाँ पर कोविड का जो इलाज है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पण सिंह, डॉक्टर रोशन वर्मा, इन दोनों को जिम्मेदारी सरगुजा कलेक्टर ने दी थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही तमाम जिम्मेदारियां इन युवा चिकित्सकों के कंधे पर है इस ज़िले में कि हॉस्पिटल में बेड और मरीजों के इलाज की व्यवस्था ये सुनिश्चित करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं, इसके साथ ही वार्ड में जा करके मरीजों को देखते हैं। बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, रात में 2 बजे, 3 बजे तक ये काम करते हैं और सुबह 4 बजे, 5 बजे फिर से इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और ऐसे में ये सोते कब हैं इसका समय इनको खुद भी नहीं पता होता है कि जब ये समय इनको मिल गया तब ये उस समय को निकाल करके वह अपनी नींद पूरी करते हैं। लेकिन कोई भी समय ऐसा निर्धारित नहीं है जब इनकी जीवन सामान्य हो सके। घर में अलग रहते हैं, अलग इंट्रेंस, अलग कमरा और अलग थाली, डिस्पोजल में इनको खाना दिया जाता है। और इस तरह की ज़िंदगी लगातार 50 दिन से अंबिकापुर में कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर कर रहे हैं। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।